दोस्तों आज हम लेकर आए हैं वेज हाकर नूडल्स की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और स्ट्रीट स्टाइल। जिस तरीके से गर्मा गर्म प्लेट में चटपटे नूडल्स आते हैं, वही रेसिपी हम लेकर आए हैं और वही डिलीशियस और वही टेस्टी हम घर पर बनाएंगे। तो बिना देर लगाइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकुंज और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल शुगर एंड बटर में। तो दोस्तों मैंने ये प्लेन नूडल्स ले लिए हैं, आजकल मार्केट में हाफ कुक नूडल आते हैं, वो चाहे तो वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पर करीबन ले रहा हूँ 400 ग्राम नूडल्स और यहाँ पर बॉईल करने के लिए पानी में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल और 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है। इसको डालने के बाद हम नूडल्स डाल देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे बॉईल करने वाले हैं। और जैसे जैसे बॉईल होगा ये नीचे सेटल हो जाएगा, बीच बीच में 2-3 बार चला लीजिएगा। और जब बॉईल हो जाएगा एक बार, उसके बाद हम इसे ठंडे पानी से धो लेंगे। उससे क्या होता है कि नूडल्स बिल्कुल खिले खिले रहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने नूडल्स बॉईल करके रख ली हैं। मैं 2 घंटे बाद रेसिपी बनाने वाला हूँ, लेकिन नूडल्स मैंने तैयार करके रख ली हैं। आप इसे किसी भी कपड़े से ढक के रख सकते हैं। और ये देखिए बॉईल भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ है और ऐसा नहीं है कि ओवर बॉइल्ड है या चिपक रहा है। इस तरीके से नूडल्स आप बना के पहले से तैयार रख सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स दोस्तों मैंने लिए हैं जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। नूडल्स मैंने आपको बता ही दिए, बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ फटाफट। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 प्याज जिसको मैंने इस तरीके से काटा हुआ है, साथ में मैंने यहाँ पर लिए 1 शिमला मिर्च जिसको मैंने इस तरीके से काटा, जूलियंस की शेप में आपको काटना है, बिल्कुल पतला पतला बारीक काटिएगा। साथ में मैंने 1 गाजर लिए, आजकल लाल गाजर बाजार में आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश गाजर है, तो इस तरीके से इसको भी जूलियन की शेप में काटिए। साथ में मैंने कैबेज लिया है, करीबन ये आधा गोभी है, छोटा लिया था, और इसको भी बिल्कुल पतला पतला काट लेंगे। इसके साथ में मैंने 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 8 से 10 लहसुन की कली बारीक कटी हुई। साथ में 1/2 चम्मच मैंने लिया काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया रेड चिली सॉस और 1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर सोया सॉस और साथ में 1 चम्मच विनेगर। और नूडल्स हमारे तैयार हैं बॉईल करे हुए, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक बड़ी कढ़ाई लेनी है जिसका सरफेस एरिया है वो बड़ा होना चाहिए। तो उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर 2 ग्रीन चिली जो काट के रखी थी बारीक वो डाल दी है, साथ में लहसुन की कली जो 7 से 8 बारीक काट के रखी थी वो डाल दी है। सारी कुकिंग हम हाई फ्लेम पे करेंगे, जैसे फटाफट जो चाइनीज़ बनाने का तरीका होता है उसे हाई फ्लेम पे पकाया जाता है। तो इसको 10 सेकंड के लिए आसपास हम लोग भूनेंगे, उसके बाद सब्जियां डालेंगे। तो सब्जियों में सबसे पहले मैं यहाँ गाजर डाल रहा हूँ, साथ में मैं यहाँ डाल रहा हूँ शिमला मिर्च, प्याज भी डाल देंगे और साथ में हम डाल देंगे गोभी, पत्ता गोभी यहाँ पर यूज़ किया है। तो सारी सब्जियों को एक साथ डालना और आपको अच्छी तरीके से इसे भूनना है, करीबन 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर भूनिएगा, बहुत जल्दी पक जाती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बिकॉज जो क्रंचीनेस आता है सब्जियों का नूडल्स में वो आना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। और साथ में मैंने यहाँ पर डाल दिया 1/2 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। नमक डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाए एक बार, कच्चापन थोड़ा सा कम हो जाए लेकिन क्रंचीनेस बरकरार रहे। तो ये देखिए दोस्तों, करीबन मैंने 3 मिनट के आसपास कुकिंग की है और ये सब्जियां बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसी स्टेज पे हम लोग नूडल्स को ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, क्रंचीनेस चला जाएगा वरना इनका। तो नूडल्स मैं एक बार में डाल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा हाथ से जब डालें तो थोड़ा खिला खिला कर डालिएगा ताकि चिपके ना, एक साथ उनका गुच्छा बना के नहीं डालना है। इससे दोस्तों एक तो मिक्सिंग करने में आसानी होती है, साथ में मैं यहाँ डाल रहा हूँ 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच मैंने यहाँ लिया था विनेगर 1 टीस्पून, साथ में मैं डाल रहा हूँ रेड चिली सॉस 1 टीस्पून और सोया सॉस हम यहाँ पर लेंगे 1 टेबलस्पून। सोया सॉस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, रेड चिली सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कम ज़्यादा। और हम यहाँ पर दोस्तों सीक्रेट ये होता है, जो मिक्सिंग होती है वो थोड़ी सी इसमें पेचीदा होती है, तो यहाँ पर 2 स्पैचुला हम लेंगे और उसकी मदद से बहुत केयरफुली, मतलब नूडल्स टूटने नहीं चाहिए, नूडल्स नूडल्स रहने चाहिए, आपकी यहाँ पर वर्मीसिली नहीं बनना चाहिए, जवे नहीं बनाने हमें। तो उस तरीके से आप इसको मिक्स कीजिए हल्के हाथों से, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा ये। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे ठेले वाले करते हैं हम उस तरीके से करेंगे। बीच में से आपको यहाँ पर क्रॉस बनाना है, 4 पोर्शंस में हम बाइट उसको डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद आप मिक्स करेंगे तो बहुत ईजीली मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल मिक्स हो चुका है, गर्मा गर्म बिल्कुल हाका नूडल्स हमारे तैयार हैं। स्पाइसीनेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, टेस्ट करके सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। और फ्लेम बंद कर देंगे इस टाइम पर और चलते हैं इसको प्लेट करने की तरफ। तो दोस्तों देखने में लग रहे हैं ना बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल, तो आप बना के देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही डिलीशियस बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं और ट्रस्ट मी मार्केट से बहुत ज़्यादा हाइजीन होते हैं घर पर बनाना। तो आप घर पर बनाइए,
और मेरे को कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो, ये रेसिपी कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक इसको लाइक प्रेस ज़रूर करिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए वीडियो को। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों।